स्वागत है दोस्तों आप सभी का मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो में। आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो पेपर में जब आ जाता है तो लगता काफ़ी टफ है, लेकिन उसके सॉल्यूशन काफ़ी इजी होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। कुल 7 प्रश्न मैंने लिए हुए हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के मैंने लिए हुए हैं, सो दैट वो वैरायटी कवर करते हुए आपसे जो भी प्रश्न पूछे इस प्रकार के एग्ज़ाम में वो आपसे एग्ज़ाम में बन जाएँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन है, देखिए 1/9 धन 1/6 धन 1/12 धन 1/20 धन 1/30 कहाँ तक चला गया, ऐसे जोड़ते हुए 1/72 तक। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? अब क्या नॉर्मल तरीके से जोड़ा जा सकता है, जैसे दो भिन्नों को जोड़ना चाहिए जोड़ा जाता है? जैसे मैं बात करूँ अगर 1/2 धन 1/3, ऐसा जब दो भिन्नों को जोड़ा जाता है तो 2 और 3 का लघुत्तम ले लेते हैं, क्या आ गया? 6। 6 को 2 से भाग दिया ऊपर आ गया 3, 6 को 3 से भाग दिया ऊपर आ गया 2, मतलब उत्तर क्या आ गया? 5/6। क्या ऐसे जोड़ा जाना चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 1 को? तो देखिए अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1/12 से जोड़ना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 1/20 से जोड़ना पड़ेगा, ऐसा कब तक करेंगे? और अगर आप ऐसा करेंगे यहाँ पहुँचते तक आधे घंटे का समय बीत गया रहेगा और उसके बाद भी गारंटी ये नहीं है कि आंसर आपका आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी साधारण विधि से कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व नहीं करना है, इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक होती है जिससे वो प्रश्न बहुत ज़्यादा ईजी होता है और 30 सेकंड के अंदर मतलब आधे मिनट में वो प्रश्न बन जाता है। समझाने में हो सकता है मुझे टाइम लगे, लेकिन जब आप इसे बना के देखेंगे तो मुश्किल से वो प्रश्न आधे मिनट से 40 सेकंड 50 सेकंड का समय लेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व करने की स्ट्रेटजीज क्या होगी देखते हैं। सबसे पहले मैं 1/9 को ऐसे ही लिख देता हूँ, लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज़ पैटर्न देखना आप, बाकी नंबर जो है उसका हर देखिए, किन दो संख्याओं का गुणनफल हो सकता है? 2 × 3 का। ठीक है, 12 का अगर मैं पूछूं तो किन दो संख्याओं का गुणनफल हो सकता है ये 12 जो है? आप बोलेंगे 3 और 4 का। 20 का अगर मैं पूछूं तो 4 और 5 का गुणनफल। 30 का अगर पूछूं तो 5 और 6। 42 का अगर पूछूं तो 6 × 7 के साथ, मतलब एक एक संख्या बढ़ रही है और वो दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो उससे हमको हर मिल रहा है उस भिन्न का, दिए हुए भिन्नों का। ठीक है, डिनोमिनेटर मिल रहा है। तो इसमें करते क्या है सुनिए, जिस किसी भी भिन्न में हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो दो भागों के गुणनफल के रूप में अगर टूट रहा है तो उस एक भिन्न को दो अलग अलग भागों के भिन्न में दो अलग अलग भिन्नों में तोड़ा जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं 1/9, देखिए अब 1/9 कौन से दो संख्याओं का गुणनफल होगा, तो आप बोले 3 × 3। तो इसे हम तोड़ के अलग से दो भिन्नों में नहीं लिख सकते कभी भी। ठीक है, लेकिन 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 × 1/3, क्योंकि जब आप 1/2 × 1/3 करेंगे तो लघुत्तम 6 आएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो इधर 3 आएगा, और 6 को 3 से भाग देंगे तो इधर 2 आएगा, और अल्टीमेटली क्या बच गया? 1/6। मतलब 1/6 के बदले ही तो क्या लिखा था मैंने, 1/6 के ही बदले लिखा था 1/2 × 1/3। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए, कुछ समय बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये 1/6 के बदले मैंने लिख दिया इसको, चलिए ये किसके बदले लिख दिया? 1/6 के बदले प्लस, अब ये ऋण किया हुआ है ना, ध्यान रखना बीच में ऋण है, जोड़ेंगे तो आंसर कुछ और आता, 5/6 आ रहा था, लेकिन अभी ऋण किया है तो 1/6 आएगा। 1/12 को क्या लिख सकते हैं? उसके लिए हर देखना पड़ेगा, दो संख्याओं का गुणनफल कौन सा है 12 में? 3 और 4 का। तो किस भाग में विभाजित हो जाएगा ये, किन दो भागों में? 1/3 × 1/4, क्योंकि सॉल्व करके देख लीजिए 4 तिया होता है 12 लघुत्तम लेंगे तो, और 12 को 3 से भाग देंगे तो होगा 4, और 12 को 4 से जब भाग देंगे तो आएगा 3, मतलब क्या हो रहा है इसका? 1/12 ही हो रहा है, मतलब 1/12 के बदले मैंने लिख दिया ये वाला टर्म। ठीक, 1/12 के बदले। ठीक है, आगे बढ़िए, अब तो लिख सकते हैं 2 3 आया 3 4 आया, अब क्या आएगा? 4 5 आएगा, क्योंकि अगली संख्या जो है 4 और 5 का गुणनफल है कौन सी? 1/20। बात समझ में आई? तो 1/4 × 1/5 ये किसके बदले होगा? 1/20। चेक करना है तो फिर से वही चेक कर सकते हैं, एक बार और देख लेते हैं, 1/4 − 1/5 लघुत्तम क्या आने वाला है? लघुत्तम आएगा 20। 20 को 4 से भाग देंगे, 20 को 4 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, और 20 को 5 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 5 × 4 करेंगे 1 आएगा और नीचे बचेगा 1/20। ठीक है, तो 1/20 आ रहा है, तो 1/20 के बदले मैंने लिख दिया ये।
अब आपको पता चल गया पैटर्न क्या हो रहा है, 1/2 ऋण 1/3, 1/3 ऋण 1/4, 1/4 ऋण 1/5। अब आगे बता दीजिए क्या आएगा, धन का ही चिन्ह है, बीच में धन का ही चिन्ह है दोस्तों, ठीक है, लेकिन इनके बीच में ऋण का चिन्ह है। 1/5 ऋण 1/6 ये किसके बदले हो जाने वाला है, जिसका गुणनफल 5 और 6 का कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। धन 1/6 ऋण 1/7 किसके बदले लिखा, 1/42 के बदले। 1/7 ऋण 1/8 किसके बदले लिखा, 1/56 के बदले। और आखिरी जो टर्म है 1/8 ऋण 1/9 किसके बदले लिखा, 1/72 के बदले लिखा है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने सभी भिन्नों के बदले जो भी आ रहा था, ठीक है ना। तो अब क्या होगा इससे फ़ायदा, इतना करने का, इतना लंबा करने का मतलब क्या था, इतना लंबा करके मैंने आपको बस दिखाया है, लेकिन अगर आपको एक बार प्रश्न आपने बना लिया तो वो समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा और आखिरी में क्या होने वाला है। देखो सभी के बीच में या तो प्लस है या तो माइनस है, ठीक है। तो माइनस वाले टर्म प्लस वाले के टर्म के साथ, मतलब धन वाले पद ऋण वाले पद के साथ समान पद कैंसल हो जाएंगे, धन और ऋण कैंसल हो जाएंगे आपस में। जैसे 1/9 अभी नहीं दिखाई दे रहा है, 1/9 दिखाई नहीं दे रहा है, 1/2 दिखाई नहीं दे रहा है, ऋण 1/3 और धन 1/3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऋण 1/3 और धन 1/3 हो जाएंगे कैंसल। -1/4 और +1/4 हो जाएगा कैंसल। -1/5 +1/5 हो जाएगा कैंसल। वैसे ही ये सारे पद एक दूसरे से कैंसल होते जाएंगे, ठीक। और आखिरी में जो -1/9 बचा हुआ है और शुरू में +1/9 था, ये भी हो जाएगा कैंसल। बचा क्या है सिर्फ, बचा है सिर्फ 1/2, क्योंकि ये किसी के साथ कैंसल नहीं हुआ है, धन और ऋण वाले समान पद कैंसल हो गए, लेकिन 1/2 बच गया है और जो बच गया है वही आंसर हो जाएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न कभी भी परीक्षा में देखने को मिले तो उसे किसी एक भिन्न को दो अलग अलग भिन्नों के ऋणात्मक पद में, या मतलब बोलना चाहिए ऋण वाले पद में या धन वाले पद में हमको तोड़ना है, मतलब उन दो पद को तोड़ते हुए या तो उनके बीच में ऋण आएगा या उनके बीच में धन आएगा, क्लियर है, ठीक। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना होता है। एक बार आपको समझ में आ गया कि कैसे तोड़ना है, फिर वो हो जाने वाला है आराम से, पता चल गया, बार बार वही आएगा, तोड़ते जाइए, जो जो माइनस और प्लस वाले टर्म है सेम वाले वो कैंसिल हो जाएंगे, जो आखिरी में बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 7+4√3 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इसका ऐसा, ये तो होगा स्क्वायर रूट, 7+4√3 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये जो पूरा पद है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट लगा दिया 7+4√3 पे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं। जब इसके पहले एक बार भी ऐसा प्रश्न नहीं किया तो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है कि भैया कैसे लें इसका वर्गमूल, कैसे लें हम, ठीक है। तो समझिए, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल लेने के लिए आपको फोकस करना है ये जो दूसरी वाली संख्या होती है जिसमें एक होल नंबर होता है और एक रूट वाली वैल्यू होती है, उसमें आपको फोकस करना होता है। और ये जो है, ठीक है, ये जो है आपका 2ab होता है, क्या होता है 2ab। अब ये 2ab कहाँ से आया, तो ध्यान रखिए पूरा का पूरा ये जो टर्म होगा ये किसी दो संख्या का a+b होल स्क्वायर का एक्सपांशन होगा। a के बदले कोई अंक आएगा, b के बदले कोई अंक आएगा, और उन दोनों का जब a+b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको यह मिलने वाला है, मतलब यह पूरी संख्या किसी दो नंबर्स का a+b होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। तो a+b होल स्क्वायर होता क्या है, a² + b² + 2ab, ठीक। तो उसमें जो ये 4√3 वाला टर्म है वो किसके बराबर होगा, 2ab के बराबर होगा, डायरेक्ट हमको कंपेयर कर देना है। और बचा हुआ a² + b² किसके बदले आएगा, इस 7 के बदले, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला ये वाला जो टर्म है जिसमें एक होल वैल्यू और एक रूट वाली वैल्यू है वो 2ab के बराबर होगी, मतलब 4√3 = 2ab होने वाला है, ठीक। चलिए इसको तोड़िए, देखिए 2ab के फॉर्म में दिख रहा है तो यहाँ से 2 निकालना पड़ेगा, तो 2 कैसे निकालेंगे,
4 को लिख दिया 2 इंटू 2 और लिख दिया इंटू 3, तो दिख रहा है 2AB, है ना। कंपेयर अगर करें 2 2 A A B, ठीक, मतलब 2 के बदले 2 ये हो गया, A के बदले ये 2 हो गया और B के बदले ये रूट 3 हो गया। मतलब यहाँ से हमको A और B की वैल्यू पता चल गई कि A बराबर होगा 2 और B बराबर होगा रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से A और B की वैल्यू पता चल गई, मतलब जैसा कि मैंने कहा था यह पूरा जो एक साथ है A प्लस B होल स्क्वायर का एक्सपांशन होगा। मतलब अगर मैं इसको A प्लस B होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूं तो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर में होती है तो रूट के बाहर आ जाती है और वो बन जाती है A प्लस B। बात समझ में आई, क्या बन जाती है वो, A प्लस B। तो सीधा सीधा A और B की वैल्यू मिल गई है, मतलब इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा A प्लस B मतलब 2 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 2 प्लस रूट 3 डायरेक्ट आंसर, मैंने बता रखा है A प्लस B होल स्क्वायर का एक्सपांशन है, A प्लस B होल स्क्वायर का एक्सपांशन है ये करके, और उसका रूट जब लेंगे तो ये स्क्वायर है हट जाएगा और रूट भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ A प्लस B। A और B का मान निकालने के लिए इस 4 रूट 3 को कंपेयर करना है 2AB के साथ। इस नंबर में 2 अलग से निकलता दिखना चाहिए, इस कारण 4 को लिख दिया 2 अलग से और बचा क्या 2 इंटू 2, मतलब 2 अलग से बचा और रूट 3 अलग से बचा। 2 और 2 अगर कैंसिल कर दें यहाँ से, ठीक, तो A बराबर मिल जाएगा 2 और B बराबर मिल जाएगा रूट 3। अब आप बोलेंगे कि क्या B को 2 और A को रूट 3 ले सकते हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं, पहले कुछ भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा A प्लस B, जैसा कि वहां पर आया हुआ था 2 प्लस रूट 3। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप क्या करके देख सकते हैं, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था किसी दो संख्या का A प्लस B होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये मिल रहा होगा, तो वो संख्या 2 धन रूट 3 है, उसका होल स्क्वायर करके देखते हैं क्या यही आ रहा है क्या। चलिए A प्लस B होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। चलिए ये A है और ये B है, A स्क्वायर मतलब करेंगे कितना आएगा 4, ठीक, B स्क्वायर मतलब रूट 3 स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2AB मतलब 2, A का मान है 2 और B का मान है रूट 3, 4 3 कितना होता है 7 धन, ये कितना होगा 4 रूट 3, आ रहा है, ठीक है, क्रॉस चेक हो गया ये आंसर, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो जब कभी भी किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के साथ, होल वैल्यू के साथ ऐसा कोई नंबर दिखाई दे जिसमें होल वैल्यू और रूट वैल्यू का प्रोडक्ट हो, गुणनफल हो साथ में, तो यह संख्या किसी भी दो संख्या का A प्लस B होल स्क्वायर का एक्सपांशन होता है। उन्हीं दो संख्या को ढूंढना होता है जिसका A प्लस B होल स्क्वायर का वो एक्सपांशन होता है, मतलब A और B का मान ढूंढना है, उसके लिए यह सेकेंड जो टर्म होता है, पद होता है, उसको 2AB से कंपेयर कर देना, 2 अलग निकाल देना, बची हुई जो दो वैल्यू होगी जिसका गुणनफल होगा उसमें से कोई एक A होगा कोई एक B होगा, क्लियर है, ऐसे ही करना है। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है ये रूट के अंदर, फिर रूट है, फिर रूट है, फिर रूट है, इस तरीके से चलता गया, और ऐसे प्रश्न जनरली देखने को मिल जाते हैं कभी भी। चलिए तो देखते हैं क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए रूट 5 प्लस फिर रूट आ गया रूट 11 फिर प्लस फिर रूट आ गया रूट 19 फिर प्लस फिर रूट 29 फिर रूट 49, ठीक है। अब रूट है, ऐसे प्रश्नों को जो रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, हमेशा दाएं तरफ से हमको सॉल्व करने की कोशिश करना है, दाएं तरफ से ही सॉल्व करके इस रूट को कम किया सकता है और आखिरी में सिर्फ एक ही रूट बचाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका फोकस रहना चाहिए कि रूट 49 क्या है, रूट 49 का मान क्या होता है, रूट 49 का मान होता है 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो रूट 49 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल कहना चाहिए, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, ठीक। तो इस पूरे के बदले क्या आ गया 7, देखिए मौखिक सॉल्व हो जाएगा ओरली, इसके बदले 7 आ गया, रूट हट गया, 29 में 7 जुड़ जाएगा, 29 में 7 जुड़ेगा तो क्या आएगा 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, 6 जाके जुड़ जाएगा 19 में आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, 5 जुड़ जाएगा 11 में, और 11 में 5 जुड़ने से आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 4 जुड़ जाएगा
पांच में नौ बन जाएगा और एक ही रूट बचा रूट नाइन, और रूट नाइन का मान कितना होता है तीन। देखिए पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है और आंसर आ गया तीन। ठीक है, दाएं तरफ से सॉल्व करते हुए आपको कम करते जाना है, एक एक रूट का मान लेते जाइए, स्क्वायर रूट का मान लेते जाइए। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सात आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ये वाला आखिरी रूट हट गया, सात आया, सात जुड़ जाएगा उनतीस के साथ। इस तरीके से आप करते चलिए, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बड़े आसानी से आंसर आ गया। ठीक, अगर आप कहते तो सॉल्व चलिए कर देते हैं। जैसे आखिरी टर्म में ये पाँच, ये सारे टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, आखिरी वाला क्या रूट है देखना, 29 प्लस रूट 49 लेने से क्या आया, सात आया। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। फिर 5 प्लस आगे वैसे ही लिखा, वो देखिए वो 36 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6। अब इसके बदले पूरा 6 आ गया है, 6 जुड़ जाएगा 19 के साथ, मतलब ये हो जाएगा ऐसा 19 प्लस 6 और क्या हो जाएगा रूट 25, और रूट 25 का मान कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, 5 जुड़ जाएगा किस में 11 में। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा 11 धन 5 16, यह आ जाएगा 4, रूट हट गया, सारे रूट खत्म हो गए, रिड्यूस होके आ गया इन सब के बदले, इन सब के बदले 4, और 4 जुड़ जाएगा आखिरी में किसके बदले, उन सब के बदले 5 में, 5 धन 4 हो जाएगा 9, वर्गमूल 9 का कितना आएगा 3। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, कोई सिस्टमेटिक नहीं कर रहे हैं, देखिए इसको सॉल्व करना है, आंसर आना चाहिए आपका, समझ में आ गया ना कैसे करना है, इन प्रश्नों को रिड्यूस करते चलना है। वैसे ही इस प्रश्न का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। चलिए ट्राई कीजिए, तब तक चौथा प्रश्न ट्राई कीजिए। चौथा प्रश्न में आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। 36 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 16, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, अब क्यूब रूट है। देखिए अब किसी भी संख्या का, किसी भी एक संख्या का जो तीन बार हम गुणा कर लें, या बोलना चाहिए कि घन ले लें या क्यूब ले लें, 16 नहीं आता है। जैसे बात करें दो की, तो 2 का क्यूब लेने से, 2 का घन लेने से क्या आएगा, 8 आएगा, और 3 का घन लेने से 27 आ जाता है, 16 नहीं आता किसी भी संख्या का घन लेने से। तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए, 2 चलाएगा 8, 4 बार में 2 बार में और 2 एकम 2, इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो देखिए अगर हमको 16 का क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, तो उसमें हमने लिख दिया इस तरीके से, 4 बार 2 आएगा, ठीक, जिसमें से 3 जो 2 है 2 है वो रूट के बाहर आ जाएंगे क्योंकि क्यूब है, 3 का पेयर बनाना है ना। तो जब ये 3 के 3 क्यूब रूट के बाहर आएंगे तो वो हो जाएगा 1, और क्यूब रूट के अंदर बच गया है 1, 2 रह गया है अभी। ठीक है, अच्छा माफ़ कीजिए, यहाँ पर क्या है कि शुरू में क्यूब रूट दिया है, बाकी सब में स्क्वायर रूट दिया हुआ है ना, शुरू में क्यूब रूट दिया है, बाकी जो बचे हुए 2 है उसका है स्क्वायर रूट ही है। तो यहाँ पर 16 का क्यूब रूट नहीं लेना है, स्क्वायर रूट ही लेना है, तो सीधा सीधा हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4, मतलब उसके बदले 4 कर दिया, 9 के साथ गुणा हो जाएगा वो 4, कितना हो जाएगा रूट 36, कितना आ जाएगा इसके बदले 6, और 6 का गुणा हो जाएगा 36 के साथ, तो देखिए 6 का गुणा हो जाएगा 36 के साथ, और इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट के लिए क्या होनी चाहिए, क्यूब रूट के बाहर आने के लिए कोई भी संख्या 3 बार होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 36 को 6 गुणित 6 कर दिया, और 1 6 पहले से ही है, तो ये 6 जो है 3 बार आ रहा है, क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा और बचेगा सिर्फ 6। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 6। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए दोनों के लिए क्यूब रूट है, घनमूल है, लेकिन नहीं, सिर्फ 1 घनमूल था और बाकी जो 2 उसके अंदर नंबर थे वो स्क्वायर रूट था, तो 16 का स्क्वायर रूट ले लिया 4, अब मल्टीप्लाई है तो 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, कितना आ जाएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता 6, मल्टीप्लीकेशन है 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 के साथ में। ठीक, 36 को 6 इंटू 6 कर दिया, और 1 6 पहले से ही है,
किसी भी क्यूब रूट के बाहर आने के लिए नंबर को तीन बार होना पड़ता है, तीन बार है, क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 6। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला प्रश्न, और वो है प्रश्न क्रमांक 5, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिख रहा है क्यूब रूट लेना है, इतने भारी भरकम जो है नंबर्स का, या पूरा बोलना चाहिए टर्म्स हैं इतने सारे, तो करें कैसे भाई। उसमें भी नंबर्स जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं, देखिए 333 का क्यूब है, फिर वैसी 333 का क्यूब है, फिर करें कैसे। तो एक चीज़ समझ लीजिए, जब कभी भी ऐसे आंकिक प्रश्न में, न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स में भारी भरकम नंबर्स दिखाई दें, और ऐसा कुछ करना हो जो साधारण विधि से पॉसिबल ही ना लगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से, तो उसके लिए ट्रिक होता है, जैसा कि मैंने बताया था, है ना। जैसे पहले प्रश्न भी देखा था, इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन सॉल्यूशन जब हमने किया तो सारे एक दूसरे से कट गए, और आखिरी में जो बचा वो आंसर हो गया। यहाँ पर वैसे कटने वाली सिचुएशन नहीं आएगी, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कुछ फॉर्मूलेस के साथ, कुछ हमारा जो फॉर्मूला होगा उसको लगाना पड़ेगा, सूत्र जो होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा सूत्र फॉलो कर रहा है, उसके लिए आपको वो सूत्र पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है। जैसे कि मैं बात करूं आपको कौन कौन से फॉर्मूले करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर पता होना चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस, चलिए काम करेंगे, आपको मैं लिस्ट दे दूंगा फॉर्मूले की, जो जो आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है, इस सारे प्रश्नों के बाद। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये लग रहा है। देखिए ये a का मान हो गया 333, ये b मान लेते हैं, हालांकि और b सेम है, लेकिन क्या हुआ, दिख तो रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है, ठीक है, ये c है, 334 c का मान है, माइनस 3abc, 3abc दिखाई देते रहे, दिखाई तो दे रहा है, मतलब क्या लग रहा है यहाँ पर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लग रहा है। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम जो है कुछ नहीं रखा इसमें। इसका जो एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, इसका जो एक्सपांशन करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये होता है, इस पूरे के बदले ये होता है आपका। तो इस पूरे के बदले क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, फिर उसका क्यूब लेना पड़ेगा, तो फिर भी बड़ा है बोलोगे आप, फिर भी बहुत बड़ा हो जाएगा सर, वेट कीजिए, देखिएगा, देखिए उनके बदले मैं लगा रहा हूँ ये, ठीक, तो 1/2, ठीक, अब वो क्यूब रूट है, तो मान लीजिए ऐसा पूरा क्यूब रूट है यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्यूब रूट है पूरा। अब मैं लिखते जा रहा हूँ 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या करूँ, 333 धन 333 धन 334, ये ए प्लस बी प्लस सी लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, अभी पूरा क्यूब रूट में चल रहा है, ठीक है ना, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए कितना है आप बोलेंगे 333, बी कितना है तो भी बोलेंगे 333, तो ए माइनस बी करके क्या आ जाने वाला है, शून्य, और शून्य का स्क्वायर करेंगे तो शून्य ही आएगा, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक, धन बी माइनस सी, बी बोलेंगे आप कितना है 333, सी बोलेंगे तो 334, तो 333 में 334 माइनस करेंगे, मतलब ये वाला टर्म निकाल रहे हैं हम, तो क्या आएगा -1, और -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया 1, क्लियर, प्लस सी माइनस ए, सी का मान है 334, ए का मान है 333, 334 में 333 मतलब इसका मान निकाल रहे हैं तो कितना आएगा 1, और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 1, ठीक, ये आपको मिल चुका है, देखिए कितना इजी हो गया। प्रश्न ऐसा कभी नहीं देगा जिसमें आपका समय जो है बहुत ज़्यादा टाइम व्यर्थ जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अभी भी क्या चल रहा है, सभी का क्यूब रूट चल रहा है, ये 1/2 है, यहाँ पर जो अंक आए हैं उनको रहने दीजिए, अभी जोड़िए मत, चलिए जोड़ भी देंगे तो क्या तकलीफ़ है, कोई तकलीफ़ नहीं है, क्यों, क्योंकि 333 धन 333 क्या आएगा 666, और उसमें 334 जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बड़े आसानी से 1000 आ जाएगा, मतलब इन तीनों को जोड़ दिया और क्या आ गया, 1000 आ गया, 1/2 तो वैसा ही है, और गुणनफल में है क्या, 0 धन 1 धन 1 कितना आएगा 2, ठीक, ये मिल गया है, 2 और 2 अंदर क्या हो जाएगा कैंसल, ऊपर और नीचे दिए हुए हैं और गुणनफल है तो कैंसल हो जाता है, ठीक, बचा क्या, क्यूब रूट ऑफ 1000, 1000 का घनमूल,
बता दीजिए क्या होगा 1000 का घनमूल? 10। आंसर आ गया, देखिए इसका आंसर आ गया 10, पांचवा प्रश्न। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। बचे हुए जो 2 प्रश्न हैं जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है किसका, a³ + b³ + c³ - 3abc का। ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, बहुत ही आसानी से प्रश्न बन जाते हैं और दे देता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न के साथ। सिक्स क्वेश्चन में क्या है देखिए, यहाँ पर 0.73³ + 0.27³ / 0.73² - 0.73 × 0.27। फिर बोलेंगे सर ये तो डेसिमल है, उसके बाद क्यूब भी करना है और जोड़ना है, फिर नीचे स्क्वायर करना है, जोड़ना है और घटाना है दोनों के गुणनफल से। तो मैंने क्या बोला, जब कभी भी ऐसे प्रश्न दिखाई दें वो बिल्कुल भी साधारण विधि से सॉल्व नहीं होने वाले हैं और सोचना भी नहीं है वैसे सॉल्व करने की, इसके पीछे भी ट्रिक होगा या कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। तो ध्यान रख लीजिए, जब कभी भी प्रश्न में a³ b³ c³ दिखाई दे तो a³ b³ c³ - 3abc वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब कभी भी प्रश्न में a³ + b³ दिखाई दे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a³ + b³ का। जब कभी भी दिखाई दे तो लगेगा ही, ये चीज़ मान के चलिए आप। ठीक है, तो a³ + b³ क्या होता है हमारे पास, a+b फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे में a² - ab + b². ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर a के बदले क्या है, a के बदले है 0.73 और b के बदले है 0.27। तो यहां पर लिख देते हैं a के बदले है 0.73 और b के बदले है 0.27, है ना। तो अब एक चीज नोटिस कीजिए आप, a³ + b³ यहां पर दिया हुआ है ऊपर, और यहां पर भी दिया हुआ है ये। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है देखिए, नीचे दिया हुआ है 0.73 स्क्वायर, मतलब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है a³ दिया हुआ है, यहाँ पर b³ दिया हुआ है, नीचे यहाँ a² दिया हुआ है क्योंकि a का मान क्या 0.73 है, यहाँ पर b² दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है ab। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि वो जो a³ + b³ है वो तो है ही, उसके नीचे कौन सा टर्म आ गया है, वो जो दूसरा ब्रैकेट दिख रहा है ना राइट साइड में a² - ab + b², वो इसके नीचे आ गया है। समझ में आ रही बात, क्या हुआ है वहां देखने पे क्या दिख रहा है हमको, a³ + b³ दिखाई दे रहा है ऊपर में और नीचे क्या दिखाई दे रहा है a² - ab + b² दिखाई दे रहा है। मतलब ऑर्डर ऐसा है कि a² + b² है और फिर ऋण ab है, तो मतलब तो वही है, किसी को भी आगे पीछे लिखे वैसे ही दिख रहा है। तो जब ये टर्म के नीचे ये वाला टर्म ले आया है, ये वाला पद ले आया है, तो राइट साइड में बचेगा क्या भाई, a+b बचेगा कि नहीं बचेगा, इसके नीचे इसको उठा के ले गया है, इसको उठा के ले गया है, राइट साइड में क्या बचेगा सिर्फ a+b, और यह पूरा प्रश्न में दिया हुआ है, तो इस पूरे का मान किसके बराबर होगा a+b के। तो a+b अगर करेंगे तो a यहां पर क्या है 0.73 और b क्या है 0.27, तो जोड़ दीजिए 0.73 में 0.27 जोड़ेंगे तो आसानी से दिख रहा है ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है 1। कैसे, 0.73 को अगर 0.27 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 × 3 = 10 = 0 = 1, 7 × 2 = 9 = 1, 10 = 0, हाँ सिलाई 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर बीच में क्या है दशमलव, तो 1.0 मतलब 1.0 मतलब 1 ही तो होगा, ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए उसे, मतलब यहाँ भी फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, वो ऊपर जो लगा हुआ है वो फॉर्मूला लग रहा है इधर दिख रहा है जो। ठीक है, a³ + b³ इसी तर्ज पे आपको यह भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, a³ - b³ का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए साथ साथ, क्या होता है a - b फर्स्ट ब्रैकेट में और दूसरे में a² + ab + b² फर्स्ट ब्रैकेट में a - b हो गया, उसकी वजह से दूसरे में पूरा पूरा प्लस रहता है, ये ध्यान रखेंगे, और प्लस वाले में सब प्लस नहीं रहता, जो ए बी वाला टर्म है वो माइनस रहता है, बाकी इसमें पहला ब्रैकेट माइनस हो गया, बचा हुआ पूरा जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें सभी टर्म प्लस में रहेंगे, ये आप ध्यान दे देंगे। तो दोनों तीन फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको बता दिए, बाकी a+b² a-b² आई थिंक आप सभी को पता होना चाहिए, पता भी होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं,
और आखिरी प्रश्न सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवें प्रश्न में आप देखिए, यहाँ पर दो भाग हैं, चार सहित 11/15 धन 15/71 का वर्ग करना है और उसको फिर घटाना है किसके साथ, चार सहित 11/15 ऋण 15/71 के वर्ग से। तो क्या किसी भी तरीके से इस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा क्या कि इसको पहले मैं सामान्य भिन्न में परिवर्तित कर लूँ, फिर इसके साथ जोड़ दूँ, फिर उसका वर्ग निकाल लूँ, फिर इसको भी वैसा करते हुए घटा लूँ? सामान्य विधि से पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ भी कोई सा फॉर्मूला लग रहा है और वो दिख रहा है क्या। या तो 4 सहित 11/15 को ए मान लो और 15/71 को बी मान लो। तो यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है क्या करके, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पर ये a है और ये b है, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा देंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर को ऋण करना है a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इस पूरे के पूरे टर्म को a मान लीजिए, मतलब 4 सहित 11/15 धन 15/71 पूरे के पूरे को a मान लेंगे और इस पूरे वाले टर्म को b मान लेंगे, क्योंकि अंतर क्या है, इसमें धन है इसमें ऋण है, तो इस पूरे को a इसको b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, a धन b a ऋण b। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी बीच में मल्टीप्लाई होता है, कोई सभी लगा सकते हैं, कोई सभी लगा सकते हैं। तो चलिए काम करते हैं कि पहला वाला मैं लगा देता हूँ, दूसरा वाला आप लगा के चेक कर लीजिएगा, दोनों केस में आंसर सेम आने वाला है। मैं लगा रहा हूँ ऊपर वाला। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर के साथ में, माइनस करना है आपको। तो जब आप माइनस करेंगे तो यहीं से पहले माइनस कर लेते हैं ना, क्यों इतना भारी भरकम जो अंक है उनको लिखते चलेंगे, हम नहीं लिखेंगे बिल्कुल, टाइम सेव करना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए धन बी के बदले क्या है, होल स्क्वायर के बदले क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं। माइनस इसके बदले क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऋण चिन्ह अंदर ले जाने वाले, माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। ठीक, प्लस और माइनस वाले समान पद कट जाएंगे, जैसे प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 2ab और प्लस 2ab मतलब 4ab है ना, 2ab प्लस 2ab 4ab बचेगा। तो चलिए फिर 4 × a का मान कितना है, शुरू में लिया था 4 × 11/15 4 सहित 11/15 गुणित बी का मान कितना है 15/71। चलिए इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 4 सहित 11/15 को सॉल्व करके क्या आएगा, तो देखिए कैसे करते हैं इसको, 15 चौक 60 इन दोनों का गुणनफल होता है और 15 चौक 60 करने के बाद इसके साथ हमको जोड़ना होता है, तो 15 चौक 60 धन 11 71 और बटे में क्या है 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके 71/15 आया है, मतलब 4 × 71/15 × 15/71 ऐसा हो गया क्वेश्चन। देखिए इस 15 के साथ ऊपर वाला 15 कट जाएगा क्योंकि गुणनफल में है दोनों भिन्न, अंश और हर कट जाते हैं अगर समान है, 71 के साथ ये वाला 71 कट जाएगा और प्रश्न में सिर्फ बच गया क्या 4, ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया सातों प्रश्न जिसके आंसर मैंने बता दिए हैं, कुछ में फॉर्मूलेज लग रहे हैं, जैसे हमने 5, 6, 7 में फॉर्मूले लगाए थे, उसके पहले कुछ अन्य स्ट्रेटजीज से बन रहे थे ये सारे क्वेश्चंस, प्रश्न पूछ ले जाते हैं, बनाने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है अगर आपने पहले नहीं किया है, लेकिन एक बार आपने कर लिया या सारे प्रश्न तो डेफिनेटली अब एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल क्लिक कर जाएगा और आप इसको बिल्कुल बना के आएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही दिखने में कठिन लेकिन होते काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो ये हो गया सातों प्रश्न। अब जैसे कि मैंने आपको कुछ फॉर्मूले करने को कहा था, तो फॉर्मूले में a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर देख लिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब देख लिया है, a माइनस बी क्यूब मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब भी मैंने आपको बता दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी आपको बता दिया है।
ठीक है। तो जनरली इन पांचों फॉर्मूले को करके, पांच छह फॉर्मूले को करके आप प्रश्न बना सकते हैं या आपसे प्रश्न डेफिनेटली बन जाएंगे। इतना सफिशियंट है, जो मैं आपको बताने वाला था वही सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी सॉल्यूशन करते हुए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य क्वेश्चन के साथ में, इसी प्रकार के जिसमें ट्रिक लगता है और बहुत ही ईजिली सॉल्व होता है। चलिए, धन्यवाद।